ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଜିପ୍ଟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଇଜିପ୍ଟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଇଜିପ୍ଟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦେଲ ଫତା ଏଇସିସି। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। आप देख सकते हैं कि वो पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन और इस परंपरागत और औपचारिक स्वागत की तैयारी की गई है राष्ट्रपति भवन में। आप देख सकते हैं खुद प्रोटोकॉल के तहत द्रौपदी मुर्मू स्वागत करती हुई मिस्र के राष्ट्रपति का, और अब मिस्र के राष्ट्रपति हाथ मिलाते हुए पहले मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो जो 75 वर्ष हैं कूटनीतिक रिश्तों के, उसका जश्न मना रहा है भारत मिस्र के साथ। और मुख्य अतिथि के तौर पर जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, उनका ये पहला मौका होगा। और हालांकि दोनों देशों के बीच अगर हम संबंधों का जिक्र करें तो बहुत पुराने संबंध हैं, और आज जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है परंपरागत तरीके से मिस्र के राष्ट्रपति का, तो अगर हम बात करें मुख्य आकर्षण ये भी है कि इस बार एक टुकड़ी मिस्र की सेना की भी कर्तव्य पथ पर कदम ताल करती हुई नज़र आएगी। और हम जानते हैं कि इससे पहले निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ।
इजिप्ट राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी जमीक पूर्वर जहाँ रही कार्यसूची रही मुख्य अतिथि भाव में जोगदेव यह सहित एक गुरुत्वपूर्ण कथा जो परेड को सारा विश्व देखुव से इजिप्टर सेना जदि देखा तार अंश रखुं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रही केन्द्र शिक्षामंत्री रही केन्द्रमंत्रीगण और आप देख पार्थ विदेश मंत्री रही समस्ते देखा स्वागत करुँच राष्ट्रपति इजिप्टर राष्ट्रपति जे रही अनेक गुरुत्वपूर्ण विषय पर जहाँ आलोचना हो पारे कृषि कथा कहतु साइबर सुरक्षा प्रतिरक्षा व्यापार पर्यटन शिक्षा ए सबू क्षेत्र को लेकिन इजिप्ट सहित अनेक गुरुत्वपूर्ण आलोचना भारत हो पारे। स्वागत किया गया है राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी का, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये इसी तरह का रवायत रहती है भारत में, जब कोई भी राष्ट्राध्यक्ष भारत की यात्रा पर आता है और मजबूत होती हुई साझेदारी का प्रतीक है ये। जिस तरह से अब प्रधानमंत्री जो हैं वो जो प्रतिनिधि मंडल मिस्र के राष्ट्रपति के साथ आए, उनके साथ मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, उच्च शिक्षा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों में मिस्र और भारत की साझेदारी बेहद मजबूत और लगातार इन आयामों को और नई ऊर्जा मिलती है। اسمحوا لي في البداية ان انا يعني قبل ما اجيب على هذا السؤال يعني ان انا اتوجه للدولة الهندية العظيمة بالتهنئة وبالتحية والتقدير الكبير بمناسبة يوم الجمهورية اللي بيوافق 75 عام، وبالمناسبة هذه المدة هي برضو تتوافق مع 75 سنة من العلاقات بين مصر وبين الهند.